हाय एवरीवन, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है कि नए वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो होने वाली है ऑटो रिक्शे से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो होने वाली है। ऑटो वालों के लिए ये खास होने वाला है और जो ऑटो में बैठ रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के शहीद पार्क में। अभी पीछे देख रहे होंगे, ये शहीद पार्क है। यहाँ पर से मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। वीडियो का किस पर्पज का होने वाला है वो मैंने आपको यहाँ पर लगभग बता ही दिया है। अभी कुछ 7 तारीख से 11 तारीख तक, आप ध्यान से सुनिए, 7 तारीख से 11 तारीख तक यहाँ पर हल्द्वानी में ऑटो वालों का यहाँ पर सत्यापन होना है। ऑटो ई रिक्शा, जो भी आप ऑटो ई रिक्शा चला रहे हैं उनका यहाँ पर लगभग अभी यहाँ पर सत्यापन होना है। कहाँ पर हो रहा है वो सत्यापन? अलग अलग जगह पर हो रहा है। गोलापार वालों का गोलापार साइड में हो रहा है, ऊंचा पुल वालों का ऊंचा पुल में हो रहा है, नीचे बंद भूलपुरा का वो साइड हो रहा है, और यहाँ का एमबीपीजी कॉलेज के पीछे जो नुमाइश ग्राउंड, जहाँ पर नुमाइश लगती है, वहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर हमारे अनेक कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, अनेक महोत्सव वहाँ पर किए जाते हैं, वहाँ पर होगा। ऑटो और रिक्शे वालों का जो भी 16 किलोमीटर के अंदर जो भी उनका दायरा रहेगा उसके अंदर उनका सत्यापन होना है। सत्यापन में आपको क्या क्या लाना है? 2 ID कार्ड लाने हैं, 2 पहचान पत्र आपको लाने हैं, जैसे या आधार कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके से 2 लाना है, या तो वोटर आईडी लाना है या तो फिर पैन कार्ड लाना है, कुछ इस तरीके की 2 ID आपको वहां पर लानी पड़ेगी, और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको वहां पर लानी है। तो ये 2 चीजें आपको लानी है, बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है, ये 2 चीजें आपको बिल्कुल लानी ही होगी, उस तभी आपका सत्यापन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन जो ये RTO जो सत्यापन है वही सत्यापन आपको होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग वहां पर आते हैं। वहां पर आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जल्द से जल्द आपने यहां पर सत्यापन करना है ऑटो ई रिक्शा से लेकर। अगर आप जहां पर जो डेट वहां पर जो दिया गया है उस डेट से आप नहीं आते हैं तो आपका सत्यापन कभी नहीं होगा, नहीं होगा, फिर आपको दोबारा सत्यापन आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा संभागीय परिवहन अधिकारी ने कह दिया है कि अगर आप जिस डेट में हम यहां पर हल्द्वानी में जगह जगह कैंप लगा रहे हैं उस दिन आप अगर उस एरिया के टेम्पो ई रिक्शा अगर आप नहीं आए तो आपका सत्यापन दूसरे दिन नहीं किया जाएगा। आपको वहां पर जाना बहुत अनिवार्य है। 7 तारीख से 11 तारीख के बीच है। आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा कौन से दिन कौन से एरिया में कितने बजे से कितना बजे है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऑटो वाले के आगे एक सीट बैठेगी और एक साइड से उतरने का बनेगा और एक्स्ट्रा सीट बिल्कुल नहीं लगेगी, और पीछे से उसका जो फिटनेस सेंटर में जो प्रावधान होंगे कि कितने दिन का इसका फिटनेस है वो लगा रहेगा, और कहां से कहां तक ये चलेगा वो लगा रहेगा, उसकी फोटो रहेगी, मालिक का नाम रहेगा और उसका पहचान रहेगा उसमें कि आप कहां से किस तरीके से ऑटो चलाते हैं और कौन मालिक है इसका। तो आप ध्यान रखिए, ऑटो मालिक जो ऑटो ई रिक्शा है आपको वहां जाना है, सत्यापन कराना है उसका, अवश्य आप सत्यापन कराइएगा, नहीं तो आप ऑटो ई रिक्शा बिल्कुल भी हल्द्वानी में नहीं चला पाएंगे। मैंने आपको बता दिया है, आप अवश्य ही जो डेट आपको मैं दे रहा हूं यहां पर, अभी मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूं कि किस तारीख को कहां कहां पर है। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। आपको मैं बता देता हूं, हल्द्वानी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी विपिन कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है कि 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को नगर पालिका केंद्र 16 किलोमीटर की त्रिज्या में संचालित ऑटो और 3 व्हीलर वाहनों तथा उनके चालकों का सत्यापन किया जाएगा। आपने सुना होगा 7 तारीख से यह लगभग किया जाना है। इसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को काला ढूंगी चौराहे से लामाचौर मुखानी चौराहे से पाल कॉलेज और काठोजाम रेलवे स्टेशन गोलापार हल्द्वानी क्षेत्र में भी वाहनों का चालकों का सत्यापन वहां पर किया जाएगा, ऑटो और ई रिक्शा वालों का। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, हल्द्वानी से गोलापार दानी बंगर मार्ग पर संचालित टेम्पो ऑटो और ई रिक्शा वाहनों को चालकों का सत्यापन किया जाना है 10 अक्टूबर को यह किया जाना है, और 11 अक्टूबर को कहां पर होगा? 11 अक्टूबर होगा कब्रिस्तान गेट हल्द्वानी गोलापार मुखानी चौराहे से पंचकी हाइडील गेट काठगोदाम लालडांट से काठगोदाम और पीपुल्स कॉलेज हल्द्वानी से रुद्रपुर मार्ग में भी वाहनों का सत्यापन किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया गया, यदि कोई वाहन चालक निर्धारित तिथि और उपस्थिति नहीं होता है तो दोबारा अवसर उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिए, दोबारा आपको सत्यापन करने के लिए अवसर बिल्कुल नहीं मिलेगा आपका सत्यापन। तो गाइस, आज मैंने आपको ये जानकारी दी है, नैनीताल रोड पे जो भी ये ऑटो चल रहे हैं आप ये देख पा रहे होंगे, ऑटो ई रिक्शा, इस रोड पे अगर आपको चलाना है, अगर आपको ई रिक्शा इस रोड पे आपको चलाना है, अगर आपको सवारी ढोनी है
तो आप प्लीज अपना सत्यापन जरूर करवाइएगा। ये रिक्शा वाले, ऑटो वाले, जितने भी जो आपका एरिया आता है, आप अलग 7 तारीख से 11 तारीख के बीच यहाँ पर सत्यापन होना है आप सभी लोगों का। तो सत्यापन बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्यापन से ये पता चलेगा कि कौन ऑटो वाला है, कौन रिक्शा वाला है और कौन कहाँ का है, वह जरूरी यहाँ पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर पिंक ऑटो चलाने की भी बात हुई थी, वो पिंक ऑटो कब चलेंगे और किस दिन चलेंगे वो भी अभी आने वाले समय में यहाँ पर पता चलेगा। जैसे यहाँ पर पता चलेगा आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि पिंक ऑटो कब चलेंगे और कितने तारीख को चलेंगे, ये भी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी फिलहाल ऑटो वालों, रिक्शा वालों का यहाँ पर सत्यापन होना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सत्यापन करिए। सत्यापन का फायदा आप जो सवारी ले जाएंगे उनका होगा, आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं ले जानी है, एक्स्ट्रा नहीं ले जाना है, ये स्टिक यहाँ पर मना कर दिया गया है, क्योंकि आप फिक्स सवारी लेके जाएंगे। बिल्कुल जैसे ये भर भर के जा रहे हैं, इस तरह से आप ऑटो रिक्शा में नहीं जाएंगे। अगर आप इस तरह से पाए जाते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये देखो मंचल है, देख लो नैनीताल रोड का मैं थोड़ा सीन दिखा देता हूँ, यहाँ पर बाइक वाले किस तरीके से बेखौफ होके चलते हैं। ये हाईवे है, यहाँ पर बिल्कुल गाड़िया बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं चलती है, कुछ कुछ गाड़िया बहुत तेज चलती है, तो आपको संभल के यहाँ से रोड पार होना है। तो गाइस यही नई जानकारी थी, आप कोई भी वंचित ना रहे, जो भी आप अगर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो भी मालिक है, प्लीज अगर आप ड्राइवर रख रहे हैं तो उसका सत्यापन करिए। मालिक का नाम लिखा रहेगा ऑटो के पीछे, किस मालिक का वो ऑटो है उसका नाम लिखा रहेगा। अगर वो ऑटो वाला किसी और को चलाने के लिए देता है, तो अगर उस ऑटो में कोई भी इस तरह की वारदात, इस तरह की दिक्कतें होती है, तो वो मालिक पकड़ा जाएगा, जो जिसका ऑटो होगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ऑटो वाले के पीछे ऑटो वाले का जो मालिक है उसका नाम, पता, आईडी सब कुछ वहां पर चिपका रहेगा, और गले में भी उसका आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। यही चीज बन रहा है जो आपको मैं बता रहा हूँ। सत्यापन भी होगा, सत्यापन करके उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें अधिकारी के जो आरटीओ के जो अधिकारी है, संभागीय अधिकारी है, उनके साइन होंगे उसमें, उसका साइन करके उस कार्ड को वो जारी करेंगे। जो छोटा सा आई कार्ड होगा आपको जो गले में पहनने के लिए दिया जाएगा, उसमें उनके साइन होंगे कि आपका नाम पता वगैरह सही है नहीं है, तो वहां से कार्ड मिलेगा, आरटीओ के साइन करे रहेंगे उसमें, वही कार्ड वहां पर मान्य होगा, कोई दूसरा अलग अलग से कार्ड कोई बना नहीं पाएगा। अगर आप अलग से कोई ऐसे फ्रॉड भी चलेगा इसमें कि कोई फ्रॉड कार्ड बना लेगा, चेजी सेंटर में जाके फ्रॉड कार्ड बना देगा, साइन फर्जी कर देगा, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप कार्ड में एआरटीओ की मोहर और साइन लगी होनी चाहिए। अब जिस दिन वहां पर सत्यापन होगा उस दिन की भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको कार्ड देखने को मिलेगा, किस तरह से कार्ड में रहेगा वो भी बताएंगे, और टेम्पो के पीछे किस तरह से है, कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं फर्जी नाम आम तो नहीं लटका दिया, वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज अगर ऑटो वाले टेम्पो वाले इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप सत्यापन कराने चले जाइए, 7 तारीख से 11 तारीख तक अपने अपने एरिया में करा लीजिएगा। जैसे MBBG कॉलेज लामा चोर है और नीचे गेट में है, अलग अलग जगह गोलापार है और नीचे ऊंचा पुल साइट है, जगह जगह यहाँ पर सत्यापन अलग अलग डेट में करे जाएंगे। 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 11 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इस दौरान आप अपने एरिया के जो भी टेम्पो और रिक्शा चालक है सत्यापन करा लीजिए। अब नई जानकारी क्या आती है, नई फिर से हाजिर होते हैं आपके सामने कुछ ऐसे नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर ठोकना।